क्या आप जानते हैं जिस श्री राम मंदिर पर आज आप गर्व कर रहे हैं कैसे उसे खंडहर बना दिया गया था। बात है 15वीं सदी की, जब मुगलों के क्रूर तानाशाह बाबर ने भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया और जितने भी हिंदू मंदिर थे उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सन 1528 में सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर बाबर ने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तुड़वा कर हिंदुओं के आत्मबल को खत्म कर दिया और षड्यंत्र पूर्वक उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तब से लेकर 500 सालों तक हमारे आराध्य श्री राम लला को मस्जिद के किनारे एक पंडाल में रहना पड़ा, लेकिन आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से प्रभु उसी गर्भगृह में विराजमान होंगे जहां कभी बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जरूर जाएं। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन दशरथ नंदन श्री राम की जन्मभूमि को आजाद कराने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आता है 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई जाती है। हिंदुओं के अनुसार गर्भगृह के पास श्री राम लक्ष्मण और सीता की मूर्ति प्रकट हुई है। वहीं मुस्लिमों ने कहा कि यह मूर्ति किसी ने चुपचाप रातों रात यहाँ रखी है। इस घटना के बाद से यह धार्मिक विवाद एक राष्ट्रीय विवाद बन गया, जिस वजह से अदालत ने इस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर पूरे परिसर में ताला लगवा दिया और यहीं से शुरू होती है श्री राम मंदिर निर्माण की नई कहानी। श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष यात्रा 3 पॉइंट्स में। पहला, आजाद भारत। आजादी के 3 साल बाद प्रभु श्री राम की पूजा करने की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष से पहली बार गोपाल शिमला विहार और रामचंद्र दास द्वारा अदालत में 2 मुकदमे दायर किए गए। कोर्ट ने पूजा की अनुमति तो दी, लेकिन गर्भगृह को बंद रखने का आदेश दिया। दूसरा, निर्मोही अखाड़ा। 1959 में इस बार संतों के प्रसिद्ध निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे जोर के साथ कानूनी लड़ाई शुरू की। इसके जवाब में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद से श्रीराम की मूर्तियां हटाने की मांग की। तीसरा, 1984। पहली बार विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी ने राम जन्मभूमि के लिए एक कमेटी का गठन किया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था? कोर्ट ने, राजीव गांधी ने या एक संत की धमकी ने? 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद के गेट को खोलने का आदेश जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को दे दिया, लेकिन कोर्ट केस की सुनवाई की जानकारी ना होने के बाद भी जनवरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को कहकर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाने को कह दिया था। हालांकि एक और बात ये कही जाती है कि एक संत की आत्महत्या की चेतावनी से डरकर राजीव गांधी ऐसा करने पर मजबूर हो गए। दरअसल संत रामचंद्र परमहंस ने सरकार को धमकी दी थी कि अगर 1986 की रामनवमी तक जन्म स्थान का ताला ना खोला गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पूरे संत समाज के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार पर राम मंदिर मामले पर फैसले के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, वरना कांग्रेस से तो जन्मस्थली का ताला कभी नहीं टूटता। इसके बाद क्या हुआ? रात के 3 बजे रोकी गई श्री राम की रथ यात्रा। 25 सितंबर 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें आडवाणी जी के रथ के सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये यात्रा हर दिन लगभग 300 किलोमीटर की होती थी। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के साथ साथ रैली के मुख्य चेहरों को गलत तरीकों से गिरफ्तार करवा दिया। रात के 3 बजे हुई इस गिरफ्तारी की वजह से रथ यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। इस गिरफ्तारी का परिणाम केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा, क्योंकि भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। श्री राम मंदिर निर्माण में मुलायम सरकार का कुकर्म जो मुगलों के अत्याचारों की याद दिलाता है। 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की शुरुआत की। लगभग 40,000 सुरक्षा बलों की भारी सुरक्षा के बावजूद दिन के 11 बजे तक अयोध्या में कार सेवकों की संख्या 3 लाख तक पहुँच गयी। वही दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह मस्जिद बचाने की दौड़ में शामिल हो गए, जिनके आदेश पर सबसे पहले पुलिस महानिदेशक ने खुद निहत्ते साधुओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये सब देखकर कार सेवक भी रोष में आ गए और सारे बैरिकेडिंग को तोड़कर रामलला के जन्म स्थान तक पहुँच गए। तभी पुलिस ने बिना किसी चेतावनी पर उन पर गोली चला दी, जिसमें 6 कार सेवक राम मंदिर के लिए शहीद हो गए और वो दिन हमेशा के लिए मुलायम सरकार पर एक काला धब्बा बन गया। इन सभी कार सेवकों के योगदान के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कैसे हुआ बाबरी मस्जिद का अंत, जानिए शौर्य दिवस की कहानी 3 पॉइंट्स में। पहला, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 की सुबह से ही जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारे हर तरफ गूंज रहे थे। हजारों की भीड़ का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कलराज मिश्र, रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल जैसे नेता कर रहे थे। दूसरा, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हजारों राम भक्त बाबरी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। इनमें से कुछ राम भक्त अपने हाथों में कुदाल, छैनी हथौड़ा लेकर बाबरी के गुंबद पर
चढ़ जाते हैं और भगवा ध्वज लहरा देते हैं। तीसरा, इसके बाद दोपहर 2 बजे बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है और शाम 5 बजे तक पूरे ढांचे को जमींदोज करके राम भक्तों के श्रीराम के जयकारों से अयोध्या गूंज उठती है। इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं।